शादी को इतने महीने हो गए बेटा, खुशखबरी कब दे रहे हो? भगवान करे तुम्हारी गोद जल्दी भर जाए। वक्त रहते बच्चे कर लेने चाहिए, बाद में दिक्कत होती है। बच्चे बच्चे बच्चे, बच्चों के बारे में बात करते हम थकते नहीं हैं। बच्चे प्यारे होते हैं ना, इसलिए बच्चे कर लो कहना भी कितना प्यारा लगता है। लेकिन बच्चे करने के लिए जो करना होता है वो शब्द लेने में हमें कितनी शर्म आती है। और बच्चे पैदा करने के लिए कुदरत ने हम औरतों के शरीर में जो एक बहुत नॉर्मल सी साइकिल बनाई है उसका नाम लेते हुए तो ऐसी शर्म आती है कि पूछिए ही नहीं। लेकिन हम तो बात करेंगे, हमें तो शर्म आती नहीं। तो चलिए आज बात करेंगे सेक्स और पीरियड्स के बारे में। Of course you can have sex during your menstruation. Some women enjoy it even more on these days. ये है गायनेकोलॉजिस्ट वाल्स परेल जो बता रही हैं कि पीरियड्स के दौरान भी सेक्स मुमकिन है। But you can still get pregnant because a new egg may be already on its way and blood doesn't protect you from infections. आइए आज खुलकर बात करते हैं पीरियड्स के बारे में। जो चीज हर महीने होती है उसके बारे में बात करने से हम इतना शर्माते क्यों हैं? इतनी झिझक कि हम ये शब्द भी साफ साफ नहीं बोल पाते हैं। पीरियड्स, मासिक धर्म या फिर मेंस्ट्रुएशन। फर्ज कीजिए ये सेब किसी महिला के शरीर में मौजूद अंडा है। वक्त के साथ ये मैच्योर होता है दोनों में से किसी एक ओवरी के अंदर। फिर ये यूटरिन ट्यूब के रास्ते नीचे आने लगता है, यूटरस या कहिए गर्भाशय में। यहाँ अगर इसे स्पर्म मिल जाता है तो ये फर्टिलाइज करता है। इसी दौरान यूटरस प्रेगनेंसी की तैयारी में जुट जाती है। फर्टिलाइज हो चुके अंडे का स्वागत करने के लिए ये मुलायम कोशिकाएं बनाने लगती है ताकि प्रेगनेंसी के दौरान सब ठीक रहे। लेकिन जब स्पर्म नहीं मिलता है तो इन कोशिकाओं की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती, इसलिए इन्हें और वो अंडा जो फर्टिलाइज नहीं हुआ उन्हें शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। यही है हर महीने होने वाली ब्लीडिंग। और ये जितना हमें लगता है दरअसल उससे काफी कम होता है, सिर्फ 50 से 65 मिलीलीटर। कुछ महिलाओं को इस दौरान बहुत दर्द होता है, कमजोरी महसूस होती है। लेकिन अगर आप बीमार महसूस नहीं कर रही हैं, फिट हैं, तो आप सब कुछ कर सकती हैं। और तो और सेक्स भी। पीरियड्स के दौरान सेक्स, तौबा तौबा। अब जब हम पीरियड्स पर खुलकर बात नहीं करेंगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन इधर उधर से मिलेगी उस पर हम यकीन करने लगेंगे। जैसे कि बहुत लोगों का मानना है कि पीरियड्स के दौरान शरीर से जो खून निकलता है वो गंदा होता है, उससे बीमारियां फैलती हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान अगर पुरुष महिला से संबंध बनाता है तो वो नपुंसक हो जाता है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप कॉन्डम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है और वो बिना पीरियड्स के भी मुमकिन है। उंगली कटने पर जो खून निकलता है पीरियड्स के खून से वो अलग होता है, और इसकी वजह मैंने अभी एक मिनट पहले आपको बताई कि यूटरस से टिश्यूज की एक पूरी लाइनिंग बाहर निकलती है, अनफर्टिलाइज्ड एग होता है इसमें, इसलिए जाहिर है कि ये अलग होता है। लेकिन ये गंदा नहीं होता है। मुझ पर यकीन नहीं है तो डॉक्टर की ही सुन लीजिए। इट्स टोटली नेचुरल एंड नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। इसमें शर्माने की या शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। तो क्या वजह है कि हम सैनिटरी पैड्स को काली पन्नी में छिपा कर लेकर आते हैं? पेट में, टांगों में इतना दर्द होता है लेकिन घर वालों से इसे छिपाते फिरते हैं। आपको जरा भी अंदाजा है कि पीरियड्स के दौरान हमारे शरीर के अंदर क्या सब चल रहा होता है? पीरियड्स के दौरान शरीर में कई तरह के हार्मोन ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। यूं समझ लीजिए कि ये आपस में एक तरह का खेल खेल रहे होते हैं। इनमें चार सबसे अहम हैं: एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH। ओव्यूलेशन से ठीक पहले, यानी अंडा जब ओवरी को छोड़कर यूटरस में जाता है उससे ठीक पहले शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा तेजी से बढ़ जाती है। एस्ट्रोजन के ही कारण गर्भाशय में नई कोशिकाएं बनती हैं। इस हार्मोन के बढ़ने से हम अचानक ही एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अंडे के ओवरी से निकलने के बाद प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है। प्रोजेस्टेरोन सुनिश्चित करता है कि यूटरस में जो टिश्यू बने हैं वो सुरक्षित रहें। इस दौरान
वो एस्ट्रोजन से लड़ भी रहा होता है कि अब और टिश्यू बनाना बंद करो, नहीं तो वो कैंसर में तब्दील हो जाएंगे। एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती देख एलएच भी सक्रिय हो जाता है। एक तरह से एलएच ही अंडे को धक्का देता है ताकि वो ओवरी से निकलकर यूटरस में पहुंच सके। फिर आती है एफएसएच की बारी। ये जैसे ही देखता है कि ओवरी से अंडा निकल गया है तो नया अंडा बनाने का काम शुरू कर देता है, यानी नई साइकिल की शुरुआत। ऐसे में एस्ट्रोजन की मात्रा फिर बढ़ने लगती है और गर्भाशय में कोशिकाएं भी। सोचिए, जब शरीर के अंदर इतना सब कुछ चल रहा होगा तो दिमाग का क्या हाल होगा। हार्मोन्स के इस कॉकटेल के कारण कई महिलाओं को पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ब्रेस्ट में दर्द महसूस होता है, चेहरे पर मुहासे आने लगते हैं, थकान महसूस होती है, कुछ लड़कियों का रोने का मन करता है तो किसी को चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तो अगली बार जब आपको पीरियड्स हों तो अपने शरीर को शुक्रिया कहिए, खुद को बताइए ऑल इज वेल, इट्स ओके। और वैसे पीरियड्स के दौरान पेट का फूलना और गैस होना बहुत ही आम बात है। इतना ही नहीं, कई लड़कियों का तो इस दौरान पेट ही खराब रहता है, और बावजूद इसके महिलाएं घर का सारा काम करती हैं, दफ्तर जाती हैं, वहां का काम संभालती हैं। आपने कभी सोचा है कि औरतों की जगह पीरियड्स अगर आदमियों को होते तो कैसा होता? तब यकीनन इस पर खुल के बात होती, ऑफिस में छुट्टी मिला करती, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर कानून तो आदमियों के बनाए हुए हैं और उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि औरतें किस सब से गुजर रही हैं। और उन्हें एहसास इसलिए नहीं है क्योंकि हम औरतें इस पर खुलकर बात ही नहीं करती हैं। इंडोनेशिया और ताइवान मिसाल हैं। इंडोनेशिया में औरतों को हर महीने 2 और ताइवान में 3 छुट्टियां मिलती हैं, और बाकी सब जगह महिलाएं इसे छिपाती फिरती हैं। तो छिपाइए मत। अगर आप पुरुष हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये समझ पाए होंगे कि आपकी पार्टनर हर महीने कितनी बहादुरी का काम कर रही हैं। बदले में आप महीने में 4 दिन उनका थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रख लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले हफ्ते एक बार फिर हाजिर होंगे एक ऐसा ही मुद्दा लेकर जिस पर लोग चुपचाप बात करते हैं। नमस्कार।